हेलो एवरीवन, मैं रूपाली आनंद आदिस किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट्स खजूर बर्फी। देखो कितने अच्छे से अपनी ड्राई फ्रूट्स खजूर बर्फी बनकर रेडी है, तो आइए रेसिपी देख लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। खजूर बर्फी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 25 ग्राम खसखस लिया है। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, 2 मिनट के लिए रोस्ट करना है। उसी कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है। इसमें हम ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप कटा हुआ बादाम लिया है, 1 कप कटा हुआ काजू लिया है। जो पसंद, जिस हिसाब से पसंद हो कटा हुआ, उस हिसाब से ले सकते हो। 1/2 कप पिस्ता लिया है, उसमें से थोड़ा पिस्ता हम बचा के रखेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने बाजू में रख दिया है और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की खुशबू आने तक रोस्ट करना है, लेकिन कलर चेंज नहीं करना है, लो फ्लेम पर ही रोस्ट कर लेना है। बादाम सब ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो गए हैं, इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। 1 टेबलस्पून घी उसी कढ़ाई में डाला है मैंने। उसमें मैंने सीडलेस खजूर लिया है, ब्लैक खजूर, उसको हम भून लेंगे अच्छे से। अच्छे से भुनना है मीडियम फ्लेम पे। उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे भुने हुए। और मिक्स कर लेंगे। उसमें 1/2 टीस्पून हम इलायची पाउडर डाल देंगे और 1/2 नटमेग मतलब जायफल हम ग्रेड करके डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स कर हम थाली में निकाल लेंगे। थाली में रखकर हम इसे ठंडा होने देंगे। ज़्यादा ठंडा नहीं होने देना है, थोड़ा गरम गरम ही हमें इसे रोल करने के लिए लेना है। ठंडा होने के बाद सेट हो जाएगा तो इसका रोल अच्छे से नहीं होगा। जो शेप में चाहिए वो शेप में हम इसको लेकर आएंगे। मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप देना है मुझे, पहले तो गोल रोल करूँगी। और बाद में इसे थोड़ा थोड़ा ठोकते हुए हम स्क्वायर शेप देंगे। स्क्वायर शेप आ गया है, अच्छे से टाइट रोल करना है। और उसको हम अभी खसखस लगा लेंगे, थोड़ा ऊपर से पिस्ता भी लगा लेंगे। खसखस पूरी जगह पर लगना चाहिए ताकि अपना जो खजूर रोल है वो अच्छा दिखे। जैसे दबाते हुए हम खसखस को लगा लेंगे। इसी तरह से सभी रोल को हम खसखस लगा लेंगे और इसे एक फॉइल में हम अभी रैप कर लेंगे। रैप करने के बाद भी थोड़ा हम शेप देने के लिए इसे चारों साइड से ठोक लेंगे और इसे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। 2 घंटा हो गया है, मैंने खजूर रोल निकाल लिया है और हम चेक कर लेंगे। अच्छे से सेट हो गया है और इसे हम काट कर पीसेस बना लेंगे, बर्फी बना लेंगे।
ड्राई फ्रूट्स की वजह से थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन काटने के लिए हार्ड होता है। बहुत अच्छे से बर्फी बन गई है। कितनी बाजार जैसे बर्फी बनकर रेडी है। इसी तरह से सभी बर्फी काट लेंगे और अपनी खजूर बर्फी बनकर रेडी है।